तो फाइनली टाटा ने अपनी पंच सीएनजी को लॉन्च कर दिया है। वैसे तो टाटा ने अपनी इस पंच सीएनजी को ऑटो एक्सपो 2023 में शोकेस किया था, बट तब से लेकर के इसको लॉन्च करने में टाटा ने पता नहीं क्यों काफी टाइम ले लिया एंड लोग इसका काफी बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे। बट खैर, इस लॉन्च का जो थोड़ा सा क्रेडिट है मैं हुंडई की एक्स्टर को भी देना चाहूंगा, क्योंकि जब हुंडई ने अपनी एक्स्टर को सीएनजी वर्जन में भी लॉन्च किया तो शायद यहां से मुझे लगता है कि टाटा को थोड़ी सी किक मिली एंड उन्होंने अपनी पंच सीएनजी को भी लॉन्च कर दिया। एंड हो सकता है आप में से कई लोग एक्स्ट्रा सीएनजी या पंच सीएनजी को लेकर के कंफ्यूज हो कि आपको इन दोनों में कौन से लेनी चाहिए, तो खैर ये वीडियो उसी से रिलेटेड। तो आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे इसी टाटा पंच सीएनजी को एक्स्ट्रा सीएनजी से। तो स्वागत है आप सभी का चैनल पे और इस एक और नए वीडियो में। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं अफोर्डेबिलिटी की। तो यहाँ पे जो टाटा की पंच सीएनजी है वो बेस वेरिएंट से ही स्टार्ट हो जाती है, वहीं जो हुंडई की एक्स्ट्रा का सीएनजी वर्जन है वो इसके मिड वेरिएंट से आता है। तो जो टाटा की पंच सीएनजी है वो 7,10,000 रुपीस के एक्स शोरूम से स्टार्ट हो जाती है एंड वहीं हुंडई एक्स्टर में हमको दो ही वेरिएंट में सीएनजी मिलता है, एक एस एंड उसके ऊपर एसएक्स। तो जो एस है उसकी प्राइस 8.24 लाख रुपीस एक्स शोरूम है। इस तरह से जो टाटा पंच सीएनजी है वो हुंडई एक्स्टर के मुकाबले काफी कम प्राइस पॉइंट से स्टार्ट हो जाती है। खैर उसमें फीचर्स भी थोड़े कम मिलेंगे, बट जिनका बजट कम है उनके लिए एक अच्छी डील हो सकती है। एंड वहीं जो पंच है इसमें हमको टोटल 5 सीएनजी वेरिएंट मिल जाते हैं एंड जिसका टॉप एंड ट्रिम है उसकी प्राइस 9.68 लाख रुपीस हो जाती है, जो कि एक्स्ट्रा सीएनजी के टॉप एंड ट्रिम एसएक्स से ऑलमोस्ट 70,000 रुपए ज्यादा है एंड ये एसएक्स हमको 8.97 लाख रुपीस एक्स शोरूम के प्राइस में मिल जाती है। बाकी वेरियंट वाइज प्राइस डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। अब हम कंपेयर करेंगे इन दोनों को इनके इंजन स्पेसिफिकेशंस के बेसिस पे। टाटा पंच सीएनजी में हमको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, वहीं एक्स्ट्रा सीएनजी में हमको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है एंड जो पंच का इंजन है वो 73.5 पीएस की पावर जनरेट करता है एंड 103 एनएम ऑफ टॉर्क एंड वहीं एक्स्ट्रा का इंजन 69 पीएस की पावर जनरेट करता है एंड 95.2 एनएम ऑफ टॉर्क एंड इन दोनों में ही हमको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन वाला गियर बॉक्स देखने को मिलता है। एंड अगर मैं बात करूं माइलेज की तो हुंडई ने अपनी इस एक्स्ट्रा सीएनजी में 27.1 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज क्लेम किया है एंड अभी यहां पे हमारे पास पंच सीएनजी के ऑफिशियल कोई माइलेज फिगर अवेलेबल नहीं है, बट आप 25 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पंच सीएनजी से। तो यहाँ पे ऑन पेपर जो पंच सीएनजी है वो थोड़ा सा ज्यादा पावर जनरेट करती है एक्स्ट्रा सीएनजी के मुकाबले, बट जो एक्स्ट्रा सीएनजी का इंजन है वो पंच सीएनजी के मुकाबले काफी ज्यादा स्मूथ और रिफाइंड होगा। नाउ मैं जो अगला पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप में से ऑलरेडी कोई एक सीएनजी कार ओन करता है या फिर अगर आपके जानने वाला कोई सीएनजी कार ओन करता है तो उनसे जरूर पूछना, वो इस प्रॉब्लम से जरूर जूझते होंगे एंड वो है बूट स्पेस। यानी कि एक सीएनजी कार में आपको हार्डली कोई बूट स्पेस मिलता है कि आप अपना कोई सामान या लगेज कैरी कर सके। तो ये जो बूट स्पेस की प्रॉब्लम थी सीएनजी कार्स में, टाटा ने यहाँ पे इसी को सॉल्व किया और वो ये ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी लेकर गया है। तो अगर मैं बूट स्पेस को कंपेयर करूं तो ट्रस्ट मी टाटा की पंच सीएनजी में आपको एक अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है, यानी कि ये सीएनजी कार होने के बावजूद आपको बूट स्पेस ऑफर कर रही है। तो यहाँ पे पंच सीएनजी में आपको 210 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है एंड अगर मैं इसको कंपेयर करूं एक्स्ट्रा सीएनजी के बूट स्पेस से तो यहाँ पे हुंडई की तरफ से इसके ऑफिशियल बूट स्पेस को लेकर के कोई फिगर तो नहीं रिवील की गई है, बट अगर हम नेकेड आइट से देखें तो बस मैं इतना ही कह सकता हूं कि एक ऑफिस बैग के साथ साथ एक लैपटॉप बैग आप रख लो या फिर एक छोटा सा हैंड बैग आ सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं आएगा, बट अगर आप उससे ज्यादा रख पा रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताना। नाउ जो अगला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो है इसका एक्सटीरियर लुक एंड डिजाइन। तो खैर किसी को एक्स्ट्रा का डिजाइन अच्छा लग सकता है और किसी को टाटा की पंच का, एंड अगर मैं अपनी राय दूं इन दोनों के एक्सटीरियर लुक एंड डिजाइन को लेकर के तो मुझे एक्स्ट्रा दिखने में थोड़ी सी ज्यादा अच्छी और प्रीमियम लगती है इन कंपैरिजन टू टाटा पंच। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इन दोनों में किसका लुक ज्यादा अच्छा लग रहा है। चलिए अब बात करते हैं इनके अंदर मिलने वाले फीचर्स की, कि कौन सी गाड़ी में क्या फीचर्स मिल जाता है और कौन किससे कितनी बेहतर है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कुछ कॉमन फीचर्स की। तो इन दोनों में ही हमको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, एलईडी डीआरएल्स मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम्स मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाता है, एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स कॉमन मिल जाते हैं। बट टाटा की पंच में हमको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलते हैं जो एक्स्ट्रा ऑफर नहीं करती, वहीं टाटा की पंच में हमको 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जहां पे हुंडई की एक्स्ट्रा में हमको 15 इंच के स्टाइल स्टील व्हील्स मिलते हैं, वहीं टाटा की पंच में हमको रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं जो कि हुंडई की एक्स्ट्रा में हमको नहीं मिलते, एंड टाटा की पंच में हमको फ्रंट में आर्मरेस्ट मिल जाता है जो कि हमको हुंडई की एक्स्ट्रा ऑफर नहीं करती। एंड ट्रस्ट मी ये ड्राइवर के लिए जो आर्मरेस्ट वाला फीचर है मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है, जितने टाइम से मैं गाड़ी चला रहा हूं मुझे ये काफी जरूरी लगता है।
एंड बस ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाटा पंच में ही चीजें मिल रही हैं, हुंडई एक्स्ट्रा में नहीं मिल रही। तो खैर हुंडई की एक्स्ट्रा में हमको 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, वहीं पे जो टाटा की पंच है हमको छोटा 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर कर रही है। वहीं हुंडई की एक्स्ट्रा में हमको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है जो कि टाटा की पंच में नहीं मिलता। वहीं टाटा की पंच में हमको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है जो कि हमको हुंडई की एक्स्ट्रा में नहीं मिलता। लेकिन जो बात गौर करने वाली है वो ये कि जैसे कि टाटा की पंच में मैंने बताया ऑटोमेटिक हेडलाइट्स मिल जा रहे हैं, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जा रहा है। ये इसीलिए मिल रहा है कि टाटा की पंच अपने टॉप एंड ट्रिम्स को यहाँ पे ऑफर कर रही है। उसके लिए आपको हुंडई की एक्स्ट्रा के मुकाबले 70,000 रुपये एक्स्ट्रा देने भी पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्राइस बराबर है तभी टाटा एक्स्ट्रा फीचर ऑफर कर रही है। नाउ अब हमारा अगला और लास्ट टॉपिक है इसके सेफ्टी फीचर को लेकर के, जिसकी आजकल हर कोई बात कर रहा है। तो चलिए अब कंपेयर करते हैं इन दोनों के अंदर मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स को, एंड हम सबसे पहले बात करेंगे इनके अंदर मिलने वाले कॉमन सेफ्टी फीचर्स की। तो इन दोनों में ही हमको काफी सेफ्टी फीचर्स कॉमन मिल जाते हैं, जैसे रियर में पार्किंग कैमरा हो गया, रियर में सेंसर हो गया, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट हो गया। तो मतलब सेफ्टी फीचर वाइज जो स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स होते हैं वो तो कॉमन है ही, बट यहाँ पे जो हुंडई की एक्स्ट्रा है वो टाटा पंच के मुकाबले इन सेफ्टी फीचर्स को बेसिकली लेकर के काफी ज्यादा ओवर पावर्ड है। जैसे यहाँ पे हुंडई की एक्स्ट्रा में हमको 6 एयर बैग्स मिल जाते हैं स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल द ट्रिम्स एंड वेरिएंट्स, जहाँ पे टाटा की पंच में हमको सिर्फ 2 एयर बैग्स मिलते हैं। उसके अलावा हुंडई की एक्स्ट्रा में हमको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है जो कि पंच में नहीं मिलता। यहाँ पे हुंडई की एक्स्ट्रा में हमको इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिल जाता है जो कि पंच ऑफर नहीं करती। हिल स्टार्ट असिस्ट मिल जाता है एक्स्ट्रा में, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट मिल जाता है एक्स्ट्रा में, एंड रियर में डिफॉकर जैसा फीचर मिल जाता है हुंडई की एक्स्ट्रा में जो कि पंच ऑफर नहीं करती। तो अगर खाली सेफ्टी फीचर्स की बात करूं तो जो हुंडई की एक्स्ट्रा है वो टाटा पंच के मुकाबले काफी ओवर पावर्ड है। लेकिन इतने सेफ्टी फीचर्स का डिफरेंस होने के बावजूद भी जो टाटा की पंच है वो अपना मेटल प्रूव कर चुकी है, एंड उसको ऑलरेडी ग्लोबल एनकैंप में 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है। बट क्या हुंडई की एक्स्ट्रा भी 5 स्टार की रेटिंग ले पाएगी, ये तो खैर इसके क्रैश टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। बट टाटा की पंच ऑलरेडी कि वो एक सेफ कार है इस चीज को प्रूव कर चुकी है। नाउ द मेन पार्ट कि क्या डिसाइड करें कि हमको टाटा की पंच लेनी चाहिए या फिर हुंडई की एक्स्ट्रा। अगर आपको एक अच्छी खासी गुड लुकिंग, बेटर रोड प्रेजेंस वाली, न्यू लुक और सेफ्टी फीचर रिच गाड़ी चाहिए तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको हुंडई की एक्स्ट्रा के साथ जाना चाहिए। बट अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल कार लेनी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे टाटा की पंच में हमको बूट स्पेस मिल जाता है जो कि बहुत ज़रूरी है, उसके अलावा या फिर अगर आपका बजट कम है तो फिर आप पंच ले सकते हो क्योंकि उसका जो एंट्री प्राइस पॉइंट है वो हुंडई की एक्स्ट्रा के मुकाबले कम है। आपको ज़्यादा फीचर लोडेड वाली गाड़ी चाहिए एंड सेफ गाड़ी चाहिए तो आप टाटा की पंच के साथ जा सकते हो। यहाँ पे मेरा सेफ से मतलब हुंडई एक्स्ट्रा अनसेफ नहीं है, इट जस्ट कि उसका क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।